हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन टेस्ट। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हैदराबाद की फेमस चिकन बिरयानी की रेसिपी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। देखिए, मैंने यहाँ पर 1 किलो प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया है इसी ऑयल में। अब हम इसी ऑयल में हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे 3 किलो चिकन लिया है, इसे मैंने वॉश कर लिया है। अब हमें इसे सारे मसालों के साथ मैरिनेट कर लेना है। 1 किलो मैंने टमाटर लिया है, इसे बारीक पीसेस में कट कर लिया है, इसे भी ऐड कर लेना है। अदरक का पेस्ट मैंने लिया है यहाँ पे 5 टेबल स्पून। मैंने यहाँ पे लहसुन का पेस्ट लिया है। 20 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च को बारीक पीस लिया है। 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है। 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर लिया है। 5 से 6 मैंने यहाँ पे तेज़पत्ते लिए हैं और हाफ मैंने यहाँ पे स्टार फूल लिया है। 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया है। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं दही। 1/2 kg मैंने यहाँ पे दही लिया है। अब हमें सारे मसालों को मिक्स कर लेना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। देखिए, इसे इस तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए, सारे मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हमें यहाँ पर डालना है 3 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ली है, हल्दी का यूज़ हम थोड़ा कम करेंगे यहाँ पर। फूड कलर लिया है मैंने रेड फूड कलर और येलो फूड कलर 1/2 टीस्पून। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। प्याज ली है मैंने गोल्डन ब्राउन, इसे हम आधा यूज़ कर लेंगे, आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। इसे हाथों से देखिए इस तरीके से क्रश करते हुए डाल देना है प्याज को इस तरीके से। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, 2 मिनट हम इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। चिकन मैरिनेट हो चुका है, इसे हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद हम इसे कुक करना है। ढक के हमें इसे रख देना है 2 घंटे के लिए। देखिए, 2 घंटा हो चुका है, इसे हमें अब कुक कर लेना है। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, हाई फ्लेम पे हमें इसे 10 से 15 मिनट कुक करना है ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। एक बार हम इसे चला देते हैं, 10 मिनट के बाद हम इसे दोबारा चलाएंगे। हाई टू लो फ्लेम पे हमें इसे कुक करना है। इसे 10 मिनट के लिए हमें कुक कर लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पे चावलों को 10 मिनट के लिए भिगा के रख दिया था, बिरयानी चावल। टोटल मैंने यहाँ पे 3 किलो चावल लिया है। 1.5 किलो चावल मैंने अलग रखा है और 1.5 किलो मैंने दूसरे टोप में रखा है। इसे हमें कुक भी अलग अलग ही करना है। 2 टोप में हम बिरयानी बनाएंगे। इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है, इसे मैंने 10 मिनट के लिए भिगा के रख दिया था। चावलों को हम रेडी कर लेते हैं। 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ। हमने यहाँ पे वही ऑयल यूज़ किया है जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था। बघार के लिए हमें इसमें डालना है तेज़पत्ते। 2 टुकड़ा मैंने तेज़पत्ते का लिया है, 2 दालचीनी, 1 मैंने स्टार फूल लिया है, 8 से 10 मैंने यहाँ पर लौंग ली है। 1 मिनट के लिए हमें इसे तेल में भून लेना है
ताकि चावलों में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए मसालों का। देखिए 1 मिनट हो चुका है, अब हमें इसमें पानी ऐड कर देना है। देखिए मैंने चावल में ही पानी डाल दिया है। देखिए इस तरीके से हमें आधी उंगली के बराबर पानी रखना है। ज़्यादा पानी आप मत डालिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे चावलों को भिगा के रखा था, इसलिए मैं यहाँ पे पानी कम यूज़ कर रही हूँ। पानी को हमें इसमें ऐड कर देना है। जब पानी बॉईल हो जाएगा तब हम उसमें चावल ऐड करेंगे। अब हमें यहाँ पर डालना है नमक। 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। इसे हमें बॉईल होने देना है। देखिए कोरमा भी 10 से 15 मिनट पक चुका है हाई टू लो फ्लेम पे। इसका पानी भी अब ड्राई होना शुरू हो चुका है। देखिए इस तरीके से अब हमें इसे 10 मिनट लो फ्लेम पे पका लेना है, ताकि इसका सारा ऑयल सेपरेट हो जाए और जो इसमें बचे हुए पानी है वो भी ड्राई हो जाए। देखिए 5 मिनट हो चुका है, गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है, इसका ऑयल भी अब सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है और सारा पानी भी ड्राई हो चुका है। इसे हम 5 मिनट और लो फ्लेम पे पका लेंगे। देखिए चावल का पानी भी बॉईल हो चुका है, अब हमें इसमें चावलों को ऐड कर लेना है। 1.5 किलो चावल मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, और 1.5 किलो हम अलग कुक करेंगे अलग टोप में। इसे मिक्स कर लेना है। साथ में मैंने 8 से 10 कड़ी पत्ते डाल दिए थे इसमें। हाफ नींबू डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। नींबू डालने से चावल बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, अलग अलग पकेंगे और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है चावल में। अब हमें इसे 8 से 10 मिनट पका लेना है चावलों को हाई टू लो फ्लेम पे। देखिए 5 मिनट हो चुका है, टोटल 30 मिनट में चिकन कोरमा रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम दूसरा चावल भी रेडी कर लेते हैं। देखिए मैंने टोप रख दिया है, सेम प्रोसेस हमें करना है यहाँ पर। देखिए मैंने वही ऑयल यूज़ किया है जिससे मैंने प्याज को ब्राउन किया था। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, 2 दालचीनी का टुकड़ा, हाफ मैंने यहाँ पे स्टारफुल लिया है, और 8 से 10 लौंग ली है। 1 मिनट हमें इसे पका लेना है तेल में, ताकि चावल में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसालों का। देखिए 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब हमें यहाँ पर डालना है नमक। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से डालिए। देखिए पानी 5 मिनट पानी बॉईल हो चुका है, इसमें भी मैंने कड़ी पत्ता ऐड कर दिया था। अब हम चावल को भी इसमें डाल देते हैं, और 8 से 10 मिनट हमें इसे हाई टू लो फ्लेम पे इसे कुक कर लेना है। देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है, अब हमें इसे ढक के पका लेना है। हाफ मैंने नींबू डाल दिया यहाँ पर। देखिए कोरमा भी रेडी हो चुका है, और साथ में मैंने चावलों को भी अलग अलग टोप में रेडी कर लिया है। 1.5 किलो चावल मैंने यहाँ पे रेडी किया है, और 1.5 किलो दूसरे टोप में रेडी कर लिया है इस तरीके से। अब हमें इसकी तह लगाना है। 2 अलग अलग पतीलों में हम इसकी तह लगाएंगे बिरयानी की। देखिए मैंने इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने अलग निकाल लिया है,
अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका यूज़ करेंगे बाद में। देखिए मैंने इसका आधा चावल अलग निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पे बिरयानी की तह लगाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कोथमीर पुदीना। कोथमीर पुदीने से अच्छा फ्लेवर आता है, आप भी ज़रूर इसका यूज़ करिए। साथ में ब्राउन की हुई प्याज। अब हमें यहाँ पे डालना है कोरमा। देखिए इस तरीके से हमें हर तरफ इसे बिछा देना है कोरमे की तय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर से। देखिए इस तरीके से मैंने कोरमे की तह लगा दी है। फिर से मैंने यहाँ पे कोथमीर पुदीना डाल दिया है। ब्राउन की हुई प्याज भी डाल दिया है मैंने यहाँ पर। अब हम जो बचे हुए चावल हैं उसे डाल देते हैं। देखिए इस तरीके से हमें चावलों को डालना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। देखिए मैंने आधा चावल यहाँ पे डाल दिया है। जो मैंने यहाँ पे कोरमे का ऑयल निकाला था उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब जो बचे हुए चावल है हम सारे चावल यहाँ पर डाल देते हैं। देखिए इस तरीके से सारे चावल मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर लिया है। आपको जो भी कलर पसंद है आप वो डालिए। मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर और रेड फूड कलर का यूज़ किया है। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे रेड फूड कलर भी ले लिया है। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। ब्राउन की हुई प्याज भी मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। कोथमीर पुदीना। देखिए खुशबू के लिए मैं यहाँ पे केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। अगर आपको केवड़ा वाटर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे रोज़ वाटर का यूज़ भी कर सकते हैं। रोज़ वाटर से ही बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे डाल दिया केवड़ा वाटर। देखिए बिरयानी रेडी हो चुकी है। अब हम दूसरे टोप की बिरयानी भी इसी तरीके से इसी प्रोसेस से हम रेडी कर लेते हैं। देखिए बिरयानी मैंने बिरयानी पे तह लगा ली है इस तरीके से। बहुत ही कलरफुल बिरयानी मैंने रेडी की है। अब हमें इसे भाप लगाना है। हाई फ्लेम पे हमें इसे भाप लगाना है। नीचे हम तवा रख देंगे और फिर बिरयानी पे हम भाप लगाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। देखिए बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बहुत ही कम वक्त में मैंने रेडी कर लिया है। इसे हम ढक के भाप लगा लेते हैं। देखिए 10 मिनट हो चुका है, मैंने इसे भाप लगा ली है। 15 मिनट मैंने भाप लगाने के लिए रख दिया था। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है बिरयानी से। इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। देखिए बहुत ही मज़ेदार हैदराबाद की फेमस चिकन बिरयानी मैंने रेडी कर ली है। बहुत ही आसान तरीके से कम वक्त में
बहुत ही टेस्टी जायकेदार बिरयानी रेडी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।